हम सब ने ट्रेनिंग अटेंड की है, वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारा आंसर निकलता है वांटूंगा। आप ब्रेकफास्ट में जब किसी से बातें करते हैं तो मेरे बात करने के बाद हम बोलते हैं यार वांटूंगा पे चलते हैं। हमारा हर चीज का हर एवरी क्वेश्चन का एक ही आंसर है हमारे BNI में सबसे और सबसे पहले 1-2-1। पर क्या हम वो 1-to-1 जैसी होनी चाहिए जैसे कर रहे हैं? क्या हम उतने पावरफुल वे से उतने इफेक्टिव वे से अपना 1-to-1 एक दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। आप कहते जरूर है इच्छा शक्ति होती है, किसी का इंटेंशन ये नहीं होता कि हमें अपने कोई 1-to-1 खराब करनी है या फिर हमने ऐसा नहीं करना चाहते, पर एक गाइडलाइंस है, एक स्ट्रक्चर है 1-to-1 को हम कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं, why, how and कैसे कर सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन को। तो सबसे पहले why 1-to-1? 1-to-1 इसलिए जरूरी है just not because कि एक BNI का पार्ट है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारे फेलो BNIs के साथ एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है। हम यहाँ पे एक घंटा मिलते हैं, दो घंटे मिलते हैं, बैठेंगे, मेजर पार्ट ऑफ टाइम हमारा ये प्रेजेंटेशंस में निकल जाता है, देन वी हैव हाफ एन आवर या 20 मिनट्स ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन एक 1-to-1 आपके अपने लिए डेजिग्नेटेड टाइम है, एक घंटे का वो टाइम है जिसमें आप सिर्फ एक सामने वाले बंदे से अपने बारे में और उनके बारे में ज्यादा जान सकते हैं, उनके बारे में ज्यादा पहचान सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है वो आप जान सकते हैं और एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं ट्रस्ट की। क्योंकि अल्टीमेटली हमने बिजनेस करना है, बिजनेस हमें रेफरल से मिलेगा यहाँ पे हमारे BNI से, लेकिन रेफरल्स हमें तभी मिलेंगे अगर हम अपने सामने वाले बंदे को ट्रस्ट करते हैं। वो ट्रस्ट बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने सामने वाले बंदे को अपने फेलो BNI से अच्छे से मिले। तो why 1-to-1? Because it is one of the most effective tool. Yes, it is a base to maintain good business relationship with the fellow BNIs. सिर्फ यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने से हमें उतना बिजनेस नहीं मिलेगा, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे लेकिन उसे क्लोज करने के लिए हमें एक इफेक्टिव और पावरफुल 1-to-1 की जरूरत है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंबर्स बिजनेस, हम एक दूसरे के बिजनेस प्रेमिसेस पे जब जाते हैं उनके बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं तो एक बिजनेस में हमें ग्रोथ मिलती है। उससे भी ज्यादा जरूरी जो मेरे लिए है फिफ्थ पॉइंट है, इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस टू रेफर। हम आगे भी BNI में हमें मालूम है कि हमने रेफरल पास कर लिए हैं, लेकिन वो रेफरल पास करने से पहले हमें उतना कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है कि जिनको हम रेफरल दे रहे हैं वो हमारे रेफरल को अच्छे से एंटरटेन कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस जब आएगा जब हमें दूसरे को मिलते हैं, वो कैसे मिलेंगे? एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस रिजल्ट्स रेफरल्स फॉर बोथ मेंबर्स एंड अल्टीमेटली देयर इज अ नेट इंक्रीज इन द बिजनेस। हमारा माइंडसेट क्या होता है जब हमने BNI ज्वाइन किया था? एनीवन, हम सब बिजनेस के बारे में सोचते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, किसी टाइम पे ना मैं जिम जाता था, आज मत देखना, किसी टाइम पे मैं जिम जाता था वहां पे जाके ना कभी कभी लगता है यार जिम आ गया खुद ही पतले हो जाएगा, एक्सरसाइज करनी ना हमेशा होता है हर एक, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत तो करनी पड़ती ही। अगेन BNI इज दैट कैटलिस्ट जहां पे हमें बिजनेस तो मिलेगा लेकिन उस कैटलिस्ट को अपने अच्छे लेवल पे वर्क करने के लिए जरूरी है कि हम वहां पे मेहनत करें एंड 1-to-1 इज वन सच टू। तो हमें अपने टारगेट्स रखने चाहिए कि हमें अपने एक मंथ में एक या दो 1-to-1 करें और उसमें कैसे हम अपने रेफरल्स के बारे में और कैसे हम अपने गिव्स एंड आस्क को कैलकुलेट और मैनिपुलेट नहीं मतलब बात कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। रेफरल्स की हमने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग अटेंड की थी, उसमें हमें पता चला था कि रेफरल्स कैसे पास करते हैं, तो वो ट्रेनिंग जिन्होंने अटेंड की थी उनको काफी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट मिले थे। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि हमें सिर्फ रेफरल्स नेम से के लिए चाहिए कि वैसे रेफरल्स चाहिए जो हमें चाहिए? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपना ट्रस्ट बिल्ड करें। 1-to-1 हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड गेट रिलेशनशिप रेफरल्स। रिलेशनशिप रेफरल्स एक टर्म है जो हमें ट्रेनिंग में सिखाई गई थी। We can't disclose here. Trainings में हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें जरूर सीखते हैं, आपको उससे बेटर आपको बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब जब हम 1-to-1 करते हैं उसमें जरूरी ये है कि हम पहचाने कि वो सामने वाला बंदा जिसके पास हम 1-to-1 करने गए हैं वो करता क्या है,
उसकी मेजर यूएसपी है, मेरा रूप में मैं सोच सकते हैं, सबको पता है मैं लेडीज एथलीट वे में डील करता हूँ, एवरीवन नोस, पर व्हाट इज माय मेजर यूएसपी? वो आप जब पर्सनल वन टू वन में आप मिलते हो, टाइम स्पेंड करोगे, यू विल कम टू नो देम. व्हाट अबाउट योर आस्क, व्हाट इंपॉर्टेंट डज ही और शी ट्रस्ट यू टू रेफर यू? जो चीज हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि जो रेफरल्स पास होंगे वो एक ट्रस्ट के ऊपर ही होते हैं. सो अ वन टू वन टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस, बिल्ड ट्रस्ट टू गेट यू रिलेशनशिप रेफरल्स. हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारे पास अपनी एक सेल्स फोर्स होती है, राइट? चाहे हमारे पास वो एक टीम हो, चाहे रोहित जी आप खुद अपने लिए करते हो, तो आप खुद अपने आप एक इंडिविजुअल एक सेल्स फोर्स हो. हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं कि हमने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, एडवर्टाइज कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है. अगर हम एक सेल्स फोर्स को, जो हमारी अपनी इंडिविजुअल सेल्स फोर्स है, उनको हम ट्रेन करने में प्रॉपर टाइम लगाते हैं, उनको सब बताते हैं अपने बारे में. मेरे पास फॉर एग्जाम्पल रूपक में कोई नया स्टाफ ज्वाइन करेगा, आई एक्सप्लेन हिम व्हाट ही हैज टू सेल, आई गिव हिम प्रॉपर ट्रेनिंग, उसको बताएंगे आपका ये काउंटर रहेगा, ये चीज ऐसे आती है, ऐसे करनी है. तो हम बीएनआई में सिर्फ, तो हम बीएनआई की बात करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी आर आल्सो अ सेल्स फोर्स. सभी के सभी 55 मेंबर्स एक दूसरे के लिए सेल्स फोर्स की जैसे एक्ट करते हैं. तो डोंट वी थिंक वी शुड ट्रेन ईच अदर आल्सो, अपने बारे में, सामने अपने सामने बंदे के बारे में, हम सब कुछ समझे. देयर हियर कम्स द रोल ऑफ अ वन टू वन. एक वन टू वन के जरिए हम अपने फेलो बीएनआई को अच्छे से जान सकते हैं, उनके बारे में अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं. वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एन इफेक्टिव वन टू वन. पंचुअलिटी इज द की. सबसे पहले ये जरूरी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये रहेगी अगर हम एक दिन प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ वन टू वन करें. नॉर्मली हम सब क्या करते हैं, जिस दिन वन टू वन करनी होती है, घंटा दो घंटे पहले हम आपस में डिस्कस कर देते हैं, आर यू फ्री, मैं आ जा सकता हूँ. या फिर सबसे ज्यादा इजी बात है, मैं आपके प्रेमिसेस के पास से गुजर रहा हूँ, अगर आप फ्री हो तो हम नेक्स्ट वीक फॉर अ वन टू वन. विल दैट हेल्प फॉर अ फ्रूटफुल रिजल्ट? नो, नॉट रियली. अगर हम एक दिन प्रायर अपना बता के चले कि हमने वन टू वन करनी है, we will give our time to prepare a biodata sheet, gain sheet. हम अपने बिजनेस में कैसे रेफरेंस चाहते हैं, कैसे क्लाइंट्स चाहते हैं, जो हमारे पास वन टू वन करने आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल आरोहन मेरे को फोन करे कि भैया मैंने आपके साथ वन टू वन करनी है. आई कुड थिंक अबाउट हिम कि कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट मेरी नजर में हो जहाँ पे मैं इनके लिए इनको एक रेफरल दे सकूँ. वी नीड टाइम टू थिंक एंड प्लान एवरीथिंग. हम एक टूर पे जाते हैं, हम उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करके जाते हैं. तो व्हाई नॉट अ बिजनेस? एक बिजनेस रिक्वायर्स गुड फुल प्रूफ प्लानिंग, एंड वन टू वन अगर हमें कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, दैट वन टू वन आल्सो नीड्स अ गुड प्लानिंग, और वो होगा अगर हमारे पास टाइम. हमें अपने सेम पावर टीम मेंबर्स के साथ अगर मिलते हैं तो वी शुड बी रेडी विद एन प्लान ऑफ एक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम एक कंस्ट्रक्शन टीम के दो बंदे आपस में मिल रहे हैं, विक्रांत एंड स्पर्श जनरली मिलते हैं, अगर इनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होगा, दे हैव समथिंग टू डिस्कस, दे नीड टाइम, अच्छे से डिस्कशन हो, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन अ स्पेसिफिक गिव्स एंड आस्क. हाउ डज अ स्ट्रक्चर्ड वन टू वन मस्ट फ्लो? सबसे पहले बात, वो एक किटी पार्टी नहीं है जहाँ पे हमने जाके गॉसिप करना है. वन टू वन इज जस्ट नॉट मेंट फॉर पिक्चर्स जो हम ग्रुप्स में शेयर करते हैं. वो हम शेयर करते हैं टू क्रिएट मोटिवेशन, टू क्रिएट अवेयरनेस कि यस वी ऑल आर मीटिंग, बट इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट. इट शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. यू शुड हैव 5 मिनट्स फॉर अ वार्म अप जिसमें आप सब मिलते हैं, अनदर 30 मिनट्स टू डिस्कस ईच एंड अदर्स बिजनेस. आप उनके प्लस पॉइंट्स लिखिए, उनके यूएसपीज के बारे में जानिए, आप सब एक दूसरे के बारे में अपना बताएं. देन यू शुड वर्क ऑन टाइप्स ऑफ रेफरल्स. आई वुड सजेस्ट कि जब हम किसी के पास जा रहे हैं, हमारे दिमाग में एक रेफरल होना चाहिए. अगर मेरे पास शिवांग आ रहा है तो आई शुड थिंक कि वो मेरे पास आएगा, हाउ आई वुड हेल्प हिम. दीदी अंकल मेरे पास आएंगे, इट इज वेरी इजी. हमारे पास सब अपने अपने नेटवर्क होते हैं, हम जाने के लिए इनको किसी को हेल्प कर सकते हैं पॉलिसीज के लिए, बिकॉज आज की डेट में इट इज अ गुड थिंग, पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड सब. तो वी शुड वर्क ऑन अ रेफरेंस. 5 मिनट्स टू डिस्कस फॉलो अप एक्शन प्लान बाय ईच, एंड टोटल 60 मिनट्स में, या 60 मिनट से कम भी, हम एक अच्छी स्ट्रक्चर पॉइंट टू वन कर सकते हैं जस्ट मोर देन गॉसिपिंग. We should always focus on asking the right questions. Who are your clients and what do you do for them? Describe your ideal client. कि हमें किस टाइप के क्लाइंट्स चाहिए?
हमारे रेफरल सोर्सेस क्या हो सकते हैं एंड मेजर इज यूएसबी। आप अपने बारे में कोई एक मेजर पॉइंट जो आपको अपने कॉम्पिटिशन से अलग रखता है, या फिर कुछ भी है, सबका अपना अपने काम भी अपनी फील्ड में कॉम्पिटिशन है, पर आप अपने कॉम्पिटिशन से बेटर क्यों हो? अगर आप अपने फेलो बीएनआई को वो चीज को अच्छे से सेटिस्फैक्टरली बता पाओगे इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम, यू आर द विनर। द डूज ऑफ वन टू वन, डू ट्राई एंड मी एट बिजनेस प्रीमिसेस व्हिच वी ऑलमोस्ट एवरीवन डू। वी शुड शेयर द कॉन्टैक्ट्स वेयर दिस एबीए ट्रेनिंग का टर्म है। Do at least one-to-one in a week. One-to-one with same our team members will help you more. Prepare your specific gifts and ask. Put your phones on silent and be on time. And in time. We should avoid a gossip. Apne BNI mein, har ek organization mein there are pros and cons. When we are meeting on a one-to-one, we should literally discuss business. Because hum apne ek क्रूशियल टाइम अपने शेड्यूल टाइम से निकलकर आ रहे हैं, एक घंटा हम निकालते हैं, तो वी शुड मेजरली फोकस। वी शुड अवॉइड पासिंग वन टू वन स्लिप्स फॉर अ चांस मीटिंग और अ कॉस्टली और अदरवाइज। समटाइम्स हम क्या होता है, किसी एक कॉमन जगह पे मिल लेते हैं, मे बी अ रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप, हम वहाँ पे 5 मिनट बात करके भी वी टेंड टू टेक अ पिक्चर एंड जस्ट रिपोर्ट कि हमने वन टू वन की है, पर इस वन टू वन का कोई फायदा नहीं। तो वी शुड अवॉइड। Lastly, how can we promote more one-to-ones? Inter-chapter conclaves help, just not doing one-to-ones amongst our chapter, but throughout all the other chapters in the city. Ensure setup post-weekly meetings for one-to-ones for members. ये हमारे coordinators का बोला जाता है, जैसे हमारे coordinator हमारा एक sketch बना के देते हैं कि इस week में these one-to-ones are needed to be done. हमें उसे strictly religiously follow करना चाहिए। Importantly, हमारे न्यू मेंबर्स हैं, दे आर वेरी न्यू, दे आर जस्ट फीलिंग द एसेंस ऑफ दिस ऑल प्लेटफॉर्म। उनके लिए जरूरी है कि उनको हम ओल्ड मेंबर्स के साथ पेयर अप करें फॉर वन टू वन, जिससे जो न्यू मेंबर्स की इनहिबिशंस हैं या क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर आउट होते हैं। क्वालिफाइड रेफरल्स टू बी पास एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे चैप्टर में या हमारे बीएनआई में कुछ वन टू वन कम हो रही हैं, तो इट इज अ रोल ऑफ आवर at tables या अपने self अपना inspection कि why these one to ones are too less, we need to track and measure. Thank you, I guess.